अगर हम लूजिंग साइड की बात करें तो उसमें एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको मेरे ख्याल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना चाहिए था और वो हैं हमारे हमारे अपने हमारे किंग हमारी शान बाबर आजम अच्छा बाबर आजम ने बाबर आजम ने भी एलेक्स हेल्स के जितने ही रन बनाए 42 ही बनाए लेकिन उन्होंने सिर्फ 32 बॉलों में बनाए सही तो है स्ट्राइक रेट उनका बेहतर उन्होंने चार चौके मारे एक छक्का मारा और एक और जो मज़े की बात है ना सबसे ज़्यादा मज़े की उन्होंने अपनी बैटिंग तो अच्छी की कि इसके साथ साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया इस मैच में उन्होंने एक इनिंग्स में चार कैचेस पकड़े ठीक है अब आपको पता है कि अभी तक आप वर्ल्ड रिकॉर्ड देखें इंटरनेशनल मैचेस का तो वो जॉन्टी रोड्स का जिन्होंने पांच कैचेस लिए थे एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग पी का तो इनके पास अभी भी ही डज होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ फोर कैचेज इन अ सिंगल इनिंग्स लेकिन बाकी सारी लीग्स को भी देखा जाए तो तभी मेरे ख्याल से रिकॉर्ड इनके पास ही है और वो भी जो कैचेस थे ना वो किसी आम प्लेयर्स के नहीं थे इफ़ वी लुक एट द कैचेस उन्होंने पहला कैच लिया लूक रॉन्की का न्यूजीलैंड के प्लेयर अमेजिंग प्लेयर फाइव रन पे वो आउट हुए दूसरा कैच किया तीसरा इन्होंने लिया एलेक्स हेल्स का जिनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला और चौथा हुसैन तलत का रिकॉर्ड होल्डर थे कैप्टन थे बल्लेबाजी की कैचेस पकड़े इतना इम्पैक्ट इनका अच्छा खासा था हर एस्पेक्ट से भी आप देखें कैप्टनसी हो बैटिंग हो कैच हो कैचिंग हो

भाई पी एस एल का एक रिकॉर्ड बन गया कि एक इनिंग में चार कैच आज तक किसी ने नहीं, नहीं पकड़े बाबर आजम पकड़ रहा है और बाबर आजम सात बयालीस स्कोर भी कर रहा है बत्तीस रन पे स्कोर कर रहा है बत्तीस बॉल उसको मैन ऑफ द मैच नहीं दे रहे आप एक ऐसे प्लेयर को एलेक्स को दे रहे हैं जिसने एक एक बयालीस गेंदों में इकतालीस स्कोर किया उन्होंने बयालीस बॉलों पर इकतालीस हाँ जी हाँ बयालीस गेंदों पर इकतालीस स्कोर किया या तो उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर किया होता ना कम गेंदों पर किया होता तो फिर वो बात थी अब एक रिकॉर्ड भी आपका बन गया और बाबर आजम है उछलते कूदते हुए बड़े बड़े प्लेयरों के शुरू के चार प्लेयरों के कैच वो पकड़ रहा अब अंदाजा करें स्कोर भी कर रहा है कैश भी पकड़ रहा है हर चीज़ में पार्टिसिपेट होने और वो उसको नज़रअंदाज कर दिया ओवरलोड कर दिया और एलेक्स हेल्स को दे दिया अच्छा वट अबाउट आट दीपल वो जो आपको ये आर्ग्यूमेंट देंगे भाई हो सकता है कि वो एलेक्स हेल्स ने उस टाइम इससे एक दीवार बन के खड़े हो गए हों के भाई उनको जरूरत थी और इस तरह इस वजह से उनको मिला यार जब जॉन रोड को पाँच कैचेस मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला तो उस मैच में तो कई ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने हाफ सेंचुरी भी की थी सेंचुरी भी की थी उनको क्यों नहीं मिला तो क्या मेरे साथ अग्री करेंगे कि इसमें बाबर आजम को मिलना चाहिए था यार जब एक सिंपल सी बात है कि यार वो रिकॉर्ड कायम कर रहा है पी का रिकॉर्ड बन रहा है सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का साथ वो स्कोर भी कर रहा है अब उससे आगे चलते हैं कि ये है फाइनल पीएसएल का फाइनल 2017 का फाइनल का फाइनल इसमें डेरन समी साहब को ना पेशावर झलमी की तरफ से पेशावर ऑलमी की तरफ से खेल रहे थे तो उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला यार अजीब सी बात लगती है ये ऐसे लगता है जैसे कोई गलती होगी होगी और ऐसी गलती पे किसी की नज़र ही नहीं पड़ी अट्ठाईस रन किए ठीक है कितनी बॉलों में और अट्ठाईस रन किए अब उसमें एक चौका था तीन छक्के थे और बॉलिंग जस्ट वन ओवर गेमिंग एट रन विदाउट टेकिंग एनी विकेट अब उसी मैच में विनिंग साइड ही जो पिशाव जलमी है उसके कुछ और खिलाड़ी थे जिनकी परफॉर्मेंस डरन समी से बेहतर थी लेकिन नज़रअंदाज ओवर लुकड कर दो जैसे करते हैं ये तो ये ये था कि उन्होंने क्या किया था अब कामरान अकमल थे वो भी पेशावर जलमी जो जीती थी उसकी तरफ से स्कोर किया था जी चालीस रन बनाए थे जिसमें छ चौके और दो छक्के थे नज़रअंदाज ओवर अब उसमें यह हो गया पशावर जलमी के बॉलर्स की तरफ आ जाए अब बॉलर्स में मोहम्मद असगर था जिसने तीन विकटें ली थी सोलह रन्स दे के तीन विकटें ली थी और वहाब रियाज और हसन अली थे उन दोनों ने दो दो, दो विकटें ली थी ठीक है रन क्या दिए थे तेरह रन दे के अब ये देखें कि कॉम्बिनेशन देखें कि मोहम्मद असगर और हसन अली वो जो लूजिंग साइड थी ना कोयटा ग्लैडिएटर उनकी चार विकटे तो ये दोनों ले गए थे उनको लूजिंग साइड करने में बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो इन लोगों का था अग्री अग्री ना ये है। टीम कमजोर पड़ गई कहाँ पे कमजोर पड़ी दो खिलाड़ी उसने आउट किए दो खिलाड़ी उसने और टीम कमजोर पड़ गई मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसी और की तरफ जा रहा है लेकिन आपको नहीं लगता कि वो कह सकते हैं कि ये क्योंकि डायरन शामी कैप्टन भी था उनका तो कैप्टन इसका मतलब है किसी भी टीम का कैप्टन हो तो बाबर आजम भी तो कैप्टन था ये भी, ये भी उसने चार गैच पकड़ के पी का रिकॉर्ड नया बनाया है जो टूट तू ही नहीं सका उसको क्यों नहीं दिया फिर तो 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 फिर फिर अगर कप्तान कप्तान है तो को दे दिया आपको आप ऐसे... क्या इनके मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने यार इसको कोई चैलेंज नहीं करता सिंपल सी बात है जो खेलने वाला खिलाड़ी होता है ना लेकिन क्यों चैलेंज नहीं करता वो चैलेंज इसलिए नहीं उसने खेलना नहीं है ये भी है उन्हें मैच खेलना भाई उसको कैरियर की पड़ी होती है लंबा उसने सफ़र करना होता है उसने पीक लेनी होती है उसको दुनिया देख रही होती है उसको पैसे मिल रहे होते हैं उसका कैरियर होता है कहाँ से कहाँ वो जा रहा होता है एक मैन ऑफ दी मैच की खातर वो अपना सारा कैरियर दाव पे लगा दे ऐसे ही अच्छा इसमें हुआ ये था कि अगर वो देखा जाए ना तो ये जो अभी बात की थी क्या बात की थी जिसके जवाब में मैं बोला था कि मैन ऑफ द मैच पे लूजिंग साइड का अब कई इसमें हैं 24 ऐसे प्लेयर हैं जिनको नज़रअंदाज़ किया गया ओवरलुक किया गया लेकिन यही 24 प्लेयर इनमें से 19 प्लेयर वो प्लेयर हैं जिन्होंने इकसठ मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं ओवरऑल फ़ख्र दमान एक में नज़रअंदाज हुआ ओवर किया गया इसे कोई घास ही नहीं डाला मैन ऑफ़ द मैच का अवार्ड देते हुए डिज़र्व करता था लेकिन नौ और मैन ऑफ द मैच सबसे ज़्यादा मैन ऑफ़ द मैच के अवार्ड फ़खर जमान को मिले हैं नौ मै, मैन दी मैच मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले अब फ़खर जमान क्या करेगा कि एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए वो थोड़ी सी आवाज़ खोलेगा तो फिर आप समझते हैं ना यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ खोलने वाले का क्या होता है एक्सप्रेस कर दिया जाता है ठीक है अब इसी सीरीज़ में ऐसे प्लेयर हैं शेन वाट्सन है जी उसको छः अवार्ड मिले लेकिन एक मैच में उसके साथ भी ज्यादा हुई थी लेकिन वो छः मैन ऑफ द मैच अवार्ड छः और मैचों में जीत गया था ठीक है ये कामरान अकमल है पांच इसने अवार्ड जीते हैं मैन ऑफ द मैच एक में इस बेचारे के साथ ज्यादाती हुई तो अब ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि आप फ़खर जमा फ़खर जमा के सामने बात करें तो फखर जमा क्या कहेगा हाँ जी भुल जाओ गल भुल जाओ भुल जाओ क्यों नौ मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले पी एस एल में इससे ज़्यादा किसी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं।, नहीं मिले जितने फखर जमा को मिले हैं अगर एक मैच में उसको नज़रअंदाज उसके साथ जाती होगी तो वो बोलेगा नहीं बोलेगा वो बोले क्या जरूरत है शेन वाटसन बोलेगा नहीं बोलेगा कामरान अकमल बोलेगा नहीं बोलेगा क्योंकि ज़्यादा अवार्ड इन्होंने जीते हैं वन टू थ्री यही ही हैं अच्छा लेकिन स्टार साहब आपके ख्याल में ये ऐसी ज्यादा प्लेयर्स के साथ होने की वजह क्या है यार सिंपल सी एक बात होती है कि मैंने आपको ब्लाइज करना मैंने आपको फेवर देनी है मेरा हाथ पड़ रहा है मुझे पूछने वाला कोई नहीं है देखने वाला कोई नहीं है जांचने वाला कोई नहीं है तो मैं कर लूंगा रात के अंधेरे में कर लूंगा लैक ऑफ ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी उसमें आता है और इसमें बोलना किसी ने नहीं होता जिसके साथ ज्यादा हो रही होती है वो भी नहीं बोलता वो भी चुप कर जाता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेगा यार इन्होंने बड़ा किया ये नहीं हो सकता कि वो पब्लिक स्टेटमेंट पब्लिक स्टेटमेंट में सबको ख़त्म हो जाता है